हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतरीन और कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ वाले जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए यह वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे क्लास टेंथ का जो है साइंस है उसी का महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 के जो एग्जाम होने वाला है ना 17 फरवरी से, उसमें यही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यह जो मैं प्रश्न बता रहा हूं इसमें 65 प्रश्न है साइंस का, 65 क्वेश्चन हम बताएंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, तीनों यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिलाकर मैंने 65 ऐसा 60 से 65 प्रश्न है यानी क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे बहुत मॉडल से क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसे बहुत तमाम बुक को पढ़कर और यह नतीजा पर मैं लाया हूं कि आपको 65 प्रश्न पढ़िएगा ना बेहतरीन नंबर आएगा, बहुत बेहतरीन नंबर आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे, इतना बेहतरीन मार्क्स आएगा। हालांकि यह जो चैनल है ना आपके लिए इस तरह की कंटेंट और वीडियोस लगातार हम लोग दे रहे हैं, क्लास 12th में भी हम लोग दिए हैं जो बहुत बेहतरीन साबित हुआ है। इसमें हम साइंस के 65 प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसी के भीतर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको एक गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है यह वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो में कमेंट ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को यहाँ पे देखते चलेंगे। पहला जो प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। वास्तविक और आभासी रहेगा या वास्तविक या काल्पनिक रहेगा, आभासी का जो दूसरा नाम है ना काल्पनिक है। क्वेश्चन फर्स्ट फिर से देखेंगे, वास्तविक और अभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे या कहेगा दो अंतर लिखे या तीन अंतर लिखे, तो उसको तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आंसर कुछ मैं बता देता हूं, यह किरणों के वास्तविकरण के फलस्वरूप बनते हैं, ये किरणों के अभासी या काल्पनिक कटण के फलस्वरूप बनते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से की अपेक्षा उल्टा होता है, इसमें वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यही इसका डिफरेंस, यही इसका अंतर है। पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। जो उत्तल लेंस है ना उसको अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका आंसर लिखना है। और इसका जो फिगर होता है, फिगर जरूर इसमें बनाइएगा, जो मैं प्रश्न बता रहा हूं इसमें जो फिगर जिस प्रश्न होगा उसमें फिगर जरूर से जरूर बनाइएगा, जो आपको मार्क्स पे वहां पे डिपेंड करता है, बहुत अच्छा मार्क्स आपको वहां पे मिलेगा। और ये बात ध्यान दिखेगा, इसका लिखने का तरीका मैं बता देता हूं, क्योंकि स्ट्रेंथ वाले आपको कोई अंदाजा है नहीं कि कैसे एग्जाम देना है। तो पहला प्रश्न लिखिएगा, कोई भी प्रश्न लिखिए, उसके बाद दो लाइन गैप जरूर छोड़िएगा, जिससे आपको जो कॉपी चेक करेंगे सर उनके लिए सहूलियत होगा, वह नियम आता है एक तरह से, कि वह नियम के तहत आप लिखिएगा बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेगा। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है, ये तो देख लीजिए उत्तर अवतल लेंस बना लीजिएगा। फिर तीसरा नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। अंतर दो अंतर है, तीन अंतर है, कम से कम जो दोनों मार्क्स वाला है ना कम से कम इसमें दो से तीन अंतर जरूर लिखिएगा, और इसका दो लाइन तो जरूर नीचे आपको छोड़ना है, तभी अगला प्रश्न इसको खींचेगा। ठीक है, मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में हम लोग कॉपी को लिखेंगे, किस प्रकार से कैसा तरीका है, सबके बारे में एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी उसमें। फिर चार नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण का उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, और जो समतल दर्पण है उसका भी आपका इसमें उपयोग लिखना है। फिर पांच नंबर यहां पे प्रश्न आता है, अपवर्तनांक क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यानी फिर से प्रश्न को देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं चाहे क्या है, अब फिर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस कथन का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है उसके बारे में, चाहे इस प्रश्न को दो प्रश्न में कन्वर्ट कर सकता है, इसमें कहीं एक ही प्रश्न, मैंने दो प्रश्न को एक साथ कंबाइन इसमें कर लिया है, आपका सीधे पूछ देगा अपवर्तनांक क्या है, या आप कह रहे हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। अगला जो 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है, चाहे इसके अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न मैंने दो दो को कंबाइन एक साथ कर लिया हूं, जो मैं आपको पूरा समझा दूंगा, पहला प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का परावर्तन क्या है। फिर है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो इसका परिभाषा तो आप लोग लिख लीजिएगा, जो पूरा मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। ये सब का वीडियोस भी मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस का प्लेलिस्ट बनाया हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th का साइंस होगा उसमें देख लीजिएगा, कि फिजिक्स का है तो फिजिक्स का पूरा चार चैप्टर के आसपास उसमें वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से इसका आंसर आप लोग तैयार कर सकते, चाहे आप लोग जहां ट्यूशन में पढ़े हैं ना वहां तो आंसर क्वेश्चन लिखाए हैं, उसको देख लीजिए अच्छा से, दो बार तीन बार वीडियो देखिएगा, पूरा अच्छे प्रकार से आपको समझ में जरूर आएगा।
फिर अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन, सात नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किसे कहते हैं, चाहे आप क्या समझते हैं। फिर आठ नंबर है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चाहे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है क्यों, प्रश्न दोनों से भी है, इस तरह से लिखेगा, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चाहे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है क्यों, यह प्रश्न दोनों सेम है, आंसर दोनों का एक ही होगा। फिर अगला नौ नंबर प्रश्न, खतरे का संकेत लाल होता है क्यों, जो खतरे होता है ना, जैसे कि रेलगाड़ी पर देखते हैं ना कहीं कहीं पे सिग्नल रेड ही रखा जाता है, क्योंकि खतरे का संकेत वह बताता है, रेलगाड़ी में देखते होगा तो बाहर जो कहीं कहीं पे रेलवे ट्रैक है उसके आसपास में रेड कलर का लगाया जाता है, क्योंकि वह खतरे का संकेत है, और खतरे का संकेत क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है तो अंदर अधिक होता है, और जिसका प्रकीर्णन कम होता है वह अधिक दूरी तक दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का संकेत लाल होता है। फिर अगला नंबर प्रश्न है दस नंबर, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम यह किसका है, तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के बीच जब अचर होता है तो वह क्या कहलाता है, तो इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, जो प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम पढ़े हैं ना उसी का इस सेकेंड वाला नियम है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। दस नंबर तक हो गया। फिर ग्यारह प्रश्न क्या है, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ग्यारह नंबर प्रश्न को देखिएगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा, नेत्र का वह दोष जिस दोष का हम अपनी दृष्टि स्तर में स्थित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष, तीन प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जड़ दृष्टि दोष। अब इसमें इसका परिभाषित करना है तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें निकट दृष्टि दोष का कारण निवारण किसे कहते हो वो सब लिख लीजिएगा, क्योंकि एक ही में यहाँ पे आपका दो नंबर वाला भी और पांच नंबर वाला भी क्वेश्चन पूरा क्लियर कर देते हैं, दो नंबर वाला पांच नंबर वाला सब इसमें चलेगा आपको, ठीक है, ये पांच नंबर वाला भी पूछ देता है और दो नंबर वाला भी कहीं पूछ देता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण और कारण बताइए, उसका चित्र वर्णन कीजिए, इस तरह से प्रश्न को पूछा करते हैं। मैं आपको पूरा इंडिकेट इसमें कर दूंगा क्योंकि आपको पूरा पैटर्न मालूम हो जाए कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, किस तरह से उसका आंसर देना है, कैसे हम लिखेंगे, सिर्फ बेहतरीन से बेहतरीन और स्मार्ट नंबर आएगा। कहते क्या है, स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा स्मार्ट नंबर आएगा, स्मार्ट तरीका से नहीं पढ़िएगा स्मार्ट नंबर नहीं आएगा। जब स्मार्ट नंबर पढ़ना है ना, स्मार्ट नंबर लाना है ना, इस चैनल में बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। कहा कि हम तो आपके लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं, आपका भला तो कर रहे हैं, और आपका फर्ज क्या बनता है, ये वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, जिससे हमारा भी कुछ भला हो सकेगा मेरे दोस्त, ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर इसमें है ये जितना प्रकार के उसका कारण निवारण सब लिख लीजिएगा, उसका दोष जो गुण है गुण सब लिख लीजिएगा। फिर आता है बारह नंबर प्रश्न है, बारह नंबर प्रश्न क्या है कि ओम का नियम क्या है, चाहे ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, तुम किसी चालक सो का प्रवाहित धारा का प्रवाहित चालक के शिष्य के बीच के विभवांतर के समानुपाती हुए ओम का नियम कहलाता है, यानी भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। और इसका सत्यापन भी है पांच नंबर वाले प्रश्न में, पांच नंबर प्रश्न में किस तरह से पूछता है इसे समझिएगा, पहले आपको देगा कि ओम के नियम से क्या क्या समझते, फिर ए बी सी करके देगा कि ओम के नियम का सत्यापित किए, फिर सचित्र उसका चित्र बनाइए, तो सत्यापन कर दिएगा चित्र, एक डायग्राम है थोड़ा सा उसको आप बना लीजिएगा, पांच नंबर आपको कन्फर्म हो जाएंगे, पांच नंबर वाला पूछ देगा, या आपको कि उनके नियम से क्या समझते, दो नंबर वाला भी पूछ देता है क्वेश्चन, हो जाएगा बारह नंबर। फिर आता है तेरह नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे, यानी प्रतिरोध से आप क्या समझते, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, तो प्रतिरोध किसी चालक से प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को परिभाषा लिख लीजिएगा, प्रतिरोध किससे कहते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है ना, यानी उल्टा जो विरोध करता है ना उसी को प्रतिरोध कहते हैं, प्रति के मतलब जानते हैं, अवरोध भी जानते हैं, तो प्रतिरोध और इसका एसआई मात्रक है ना ओम होता है। अब से एक रिक्वेस्ट है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, कि जितना ये सब्जेक्टिव मैं प्रश्न बता रहा हूं, दो नंबर वाला पांच नंबर वाला प्रश्न, जिसको अच्छे प्रकार से याद करते हैं ना, तो 30% आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर होता है, आपका पूछता है इसी से कि प्रतिरोध का ऐसे मात्र क्या है, तीसरे प्रश्न पढ़े ओम होता है, ओम टिक कर भेजिएगा। उसी तरह से इसमें बहुत सारा जो आपका है इसमें पूछता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम, खतरे का संकेत क्या होता है, लाल होता है, पीला, काला, तो लाल होता है, पीला के क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, यहां से देख लीजिएगा ना, तारे, फिर प्रकाश का परिणाम किस परिघटना पर आधारित है, ये सब तो देख लीजिएगा। फिर उत्तल लेंस को कौन सा, यहाँ देखिए इससे पूछता है उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया है कि अभिसारी लेंस है, अवतल लेंस को अपसाइड, तो क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ, आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना कुछ सब्जेक्टिव में भी उसका प्रश्न दिले रहता है, उसी में उसका आंसर छिपा रहता है, इसलिए अच्छे प्रकार से याद किया ना, तो 30% ऑब्जेक्टिव है ना यहीं से क्लियर आपका हो जाता है सब्जेक्टिव से। फिर अगला प्रश्न है 14 नंबर,
डायनेमो क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। यानी डायनेमो किसे कहते हैं, क्या है, कार्य प्रणाली सिद्धांत और उसका जो चित्र होता है चित्र को ही बना लीजिए। और डायनेमो के साथ एक ऐड कर लीजिएगा कि मोटर, विद्युत मोटर भी क्या है उसको भी ऐड कर लीजिएगा इसमें। फिर आता है 15वां प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई जो चालक है ना, यह चालक है, इसका जो प्रतिरोध है, यही जो आप पढ़े हुए प्रतिरोध, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इस पर आपका निर्भर करता है। दो या तीन है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर आता है 16वां प्रश्न है, क्या है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर लिखना है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये 5 नंबर वाला भी प्रश्न को पूछ देता है, तो 5 नंबर वाला पूछेगा तो कम से कम 4 से 5 इसका अंतर लिखना होगा, और 2 नंबर वाला पूछेंगे तो 3 के आसपास इसका आंसर, इसको 3 को अंतर लिख दीजिएगा। फिर 17वां बहुत बेहतरीन और कमाल का एक क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछते रहता हर एक साल लगभग, यानी दो ऐसा जो प्रश्न है ना बहुत कमाल की है, और आपके एग्जाम में पूछते रहते जो 17वां और 12वां ओम का नियम का सत्यापन जो है, ओम का नियम किसे कहते हैं, और यह सिद्ध करना है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, इसको ए बी करके दिया रहता है या 1 2 करके दिया रहता है। सिद्ध करना है कि R बराबर R1 प्लस R2 डॉट डॉट यहाँ पे दिया रहता है, Rn तक दिया रहेगा, श्रेणी क्रम है तथा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एक समांतर क्रम में है, प्रतिरोध है, R का समतुल्य प्रतिरोध है, इसका सिद्ध करना है आपको कि यह आपस में एक समतुल्य प्रतिरोध है। यह जो है ना, इसको कह रहा है कि यह एक श्रेणी क्रम है और इसको कह रहा है कि यह एक समानांतर क्रम है, इसी को आपको सिद्ध करना है कि श्रेणी क्रम कैसे होगा और समानांतर क्रम कैसे होगा। ये सब आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है, जल्द से जल्द एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। आगे का प्रश्न आपका 18वां से क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताव दिखाई देता है क्यों। यह प्रश्न को 2 तरीका से पूछता है और एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न आपको छुपा हुआ है। आपको इस तरह से पूछेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताव दिखाई देता है क्यों, या लाल दिखाई देता है क्यों, या आपको रहेगा कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, चाहे सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताव या लाल दिखाई देता है क्यों। यह प्रश्न को समझ लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर बहुत अच्छे प्रकार से लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न की संख्या बढ़ाने का एक ही कारण है, क्योंकि आपकी जो क्लास 10th की जो एग्जाम है वह 2 पाली में होगी, और बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है प्रथम पाली के लिए है कि दूसरे पाली के लिए। तो हम जो ये वीडियो है ना दोनों पाली के लिए हमेशा के लिए बनाते हैं, जिसमें प्रश्न का संख्या थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिसके कारण आपको याद थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, समझना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 सेटिंग में एग्जाम होती है, तो कौन सा क्वेश्चन पहला का सेटिंग में आएगा, कौन क्वेश्चन दूसरा का सेटिंग में आएगा, यह तो करना संभव नहीं है। इसलिए हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, वह पहला में पूछ दे या दूसरा सेटिंग में पूछ दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो आपको प्रश्न बता रहा हूं ना, पूरा देखिएगा, पूरा अच्छी प्रकार से समझिएगा, पूरा इसको याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। फिर 19वां जो प्रश्न है, उत्तम ईंधन के लक्षण को लिखिए, यानी जो उत्तम ईंधन होता है ना उसके लक्षण को आपको लिखना है। फिर 20वां आता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखिए। तो जो फ्लेमिंग है उसके वाम हस्त का नियम, बायां हाथ का नियम का क्या रूल है, क्या नियम है, उसको आपको इसमें लिखना है। फिर 21वां आता है, धातु और अधातु में अंतर, यानी यहां तक तो आपको फिजिक्स समाप्त होती है। 20 जो प्रश्न है वह फिजिक्स का प्रश्न है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो आपको 21-22 से आगे की मिलते रहेगा जो प्रश्न है। तो 21वां है धातु और अधातु, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, इस दोनों में क्या है अंतर है। तो जब यह 2 नंबर वाला में पूछेगा तो 3 वो इसमें लिखेंगे, 3-3 वो अंतर लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। फिर यहां पे आता है 22वां प्रश्न, सजातीय और समजातीय श्रेणी क्या है, यानी सजातीय श्रेणी और समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, चाहे क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। फिर आता है 23वां में, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये जो प्रश्न है ना, ये 2 प्रश्न को हम एक साथ कंबाइन कर दिए, कॉम्बिनेशन करके आपको दे दिए हैं कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों एक चीज से नहीं है। अभिक्रिया किसे कहते हैं, और यह इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, एक उदाहरण जरूर दीजिएगा, अगर जब प्रश्न में नहीं हो लिखा रहेगा ना कि उदाहरण देकर समझाइए, तो ये लास्ट में आप एक उसका एक उदाहरण लिख दीजिएगा, जिससे आपको नंबर पूरा से पूरा मिलेगा और पूरा एकदम सटीक नंबर आपको मिलेगा। फिर यहां से 24वां प्रश्न क्या है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसका भी एक उदाहरण आपको देता है। ये हो गया 24वां। फिर आता है 25वां, धोने का सोडा, यानी जिसको हम लोग धोवन सोडा या धोबिया सोडा भी लिखा रहता,
आपका प्रश्न जो पूछेगा ना, धोने का सोडा है, धोबिया सोडा है, या आपका जो रहे इसमें, दोनों में समझ लीजिएगा। और बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा है ना, उसका दुगो क्या होता है, तो दुगो उपयोग उसको बताइए। फिर आता है 26 नंबर जो प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है आपका, वर्जन और निस्तापन में अंतर को लिखना है, यानी वर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, दोनों में अंतर को आपको लिखना है 26 नंबर। फिर 27 नंबर है, विरंजक चूर्ण क्या है और इसके रासायनिक नाम, सूत्र और क्या लिखना है, तो उपयोग लिखना है। यानी विरंजक चूर्ण क्या है, यानी शुष्क भुजे हुए चूने को, सॉरी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, विरंजक चूर्ण के बारे में लिख लीजिएगा, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, रासायनिक नाम, सूत्र और इसका उपयोग जो है उपयोग। फिर आते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या है, सूचक से आप क्या समझते हैं, जो सूचक होता है ना लिटमस पेपर को, जो वहां पे हम लोग कलर को एक्सचेंज बदला बदली जो कर देते हैं, लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में यानी अम्ल में छार में लवण में डालते हैं, तो उसका जो अलग अलग जो कलर होता है, वही कह रहा है कि सूचक क्या होता है, सूचक से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। 29 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो जिप्सम को 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें जिप्सम है, इस को गर्म क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण वाला हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि जिप्सम को 120 से 125 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म कीजिएगा ना, तो क्या है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा। बनाने की विधि लिख दीजिएगा, उसका आणविक जो सूत्र होता है ना, सूत्र वो लिख लीजिएगा, और उसका उपयोग कहां, तो हड्डी जब टूट जाता है उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग, मूर्ति के यानी सांचा में मूर्ति का जो मुंह बनता है ना उसमें, फिर बहुत सारे इस तरह से बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है 30 नंबर, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों की जाती है, जो लोहा के वस्तु होता है उसको पेंट क्यों, अगर ये लोहा है तो इसको हम लोग पेंट क्या कर देते हैं कि इसमें जंग नहीं लगेगा, जंग रोधक यानी इसमें जंग नहीं, क्योंकि जस्तीकरण जिसको हम लोग करते हैं, जिसको विद्युत लेपन भी कहा जाता है, जस्तीकरण भी कहा जाता है, इसको लिख लीजिएगा। फिर आता है 31 नंबर प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको बनाने की विधि क्या है, जो विरंजक चूर्ण है यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और उसका क्या होता है, तो उसका उपयोग आपको इसमें। फिर आता है यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या है कि गर्म जल का टैंक बनाने में, जो गर्म जल यानी पानी को हम लोग गर्म पानी करके रखते हैं उसको टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का क्या नहीं, जो तांबा है ना, तांबा को हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन इस्पात का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, ये सब प्रश्न को पूरा अच्छी प्रकार से लिखिएगा। और यथासंभव यह हो सके कि आप जो प्रश्न बनाएगा ना वो सीरियल नंबर होनी चाहिए, सीरियल नंबर होने से आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन उसमें पड़ता है, टीचर जो कॉपी चेक करते हैं उसको कहते हैं कि हाँ बच्चा सही से लिखा हुआ है, चोरी नहीं किया हुआ है। जब आप पहला प्रश्न बनाकर फिर लास्ट प्रश्न बनाते हैं फिर बीच में का प्रश्न बनाते हैं तो वहां पे वह लोचा फंस जाता है, जो टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा ने चोरी करके लिखा है, आपको तो नंबर दे देते हैं लेकिन उतना भरपूर मार्क्स आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता रहूंगा, किस तरह से एग्जाम देनी है, कैसे कैसे पेपर को लिखना है, सब के बारे में बताते रहेंगे, हर एक वीडियो में बताएंगे और सब वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, हम तो आपको भला कर ही रहे हैं और आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करके हमारा भी कुछ भला कर दीजिएगा। 33 नंबर आपका प्रश्न क्या है, खनिज अयस्क निस्तापन और वर्जन को परिभाषित करें, यानी खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं और वर्जन वर्जन जो किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपको लिखना आ सकता है। फिर आपका 34 नंबर जो प्रश्न आता है, मेंडल आवर्त सारणी और जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है ना, दोनों क्या है या दोनों में अंतर भी आपको पूछ सकता है, कह सकता है कि मेंडल की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखिए, दो अंतर लिखिए, तीन अंतर लिखिए, जितना कहेगा उतना आपको उसमें लिखना होगा। फिर आता है 35 नंबर प्रश्न कि लोहे के जंग को जंग यानी लोहे के जंग से बचने के दो उपाय होते हैं, जो लोहा है उसको जंग से बचने के लिए दो उपाय, जस्तीकरण, इसको विद्युत लेपन यानी इसको पेंट उंट कर देते हैं जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है, इसको आपको लिख लेना है। फिर आपका 36 नंबर प्रश्न आता है, मिश्र धातु क्या है, दो उदाहरण जरूर से जरूर इसमें लिखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके पूछा करते, मैं आपको बताऊं ना, बता रहा हूं कि यह जो प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही, पूछवे करेगा, कैसे हो वो पूछेगा, इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। फिर आता है 37 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और क्यों, जो आयोडीन है, आयोडीन अगर जब हम लोग कम खाते हैं तो कौन सी बीमारी होती है और वो बीमारी होती है लेकिन क्यों होती है, आयोडीन की कमी से होती है, उसके बारे में आपको बताने। फिर 38 नंबर आता है, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस तो बनाइए लेकिन क्लोरीन के साथ उसको एक अभिक्रिया कराइए, उसको इसमें आपको लिखना है। फिर आता है 39 नंबर, अवक्षेपण या उदासीनीकरण, अवक्षेपण और
अवक्षेपण और क्या है तो उदासनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं और उदासनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको आपको इसमें लिखना है। फिर आता है 40 नंबर जो प्रश्न है, क्या है कह रहा है कि स्वयंपोषी और विषमपोषी, स्वयंपोषी रहेगा या स्वपोषी रहेगा, स्वपोषी और विषमपोषी में क्या लिखना है तो आपको अंतर लिखना है। फिर 41 नंबर प्रश्न है धमनी और शिरा में अंतर लिखिए, यानी धमनी और शिरा है उसमें भी आपको अंतर लिखना है, ये सब बायोलॉजी का है क्वेश्चन इसमें। फिर 42 नंबर है स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं या अंतर रहेगा, ये आपको प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं, ये इस दोनों में दो अंतर लिखे चाहे इस दोनों में अंतर लिखे, इस तरह के प्रश्न आपको पूछते हैं। फिर आता है 43 नंबर प्रश्न श्वसन और दहन में अंतर लिखे, यानी श्वसन का परिभाषा भी पूछ सकता है, दहन का परिभाषा भी पूछ सकता है, या दोनों में अंतर भी आपको पूछ सकता है। फिर आता है 44 नंबर हमें वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करने चाहिए, यानी वन्य एवं अन्य जीवों का संरक्षण हमें क्यों करने चाहिए, हमें वन या वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करने चाहिए, इस तरह से प्रश्न होगा। फिर आपका 45 नंबर मुकुलन विधि जो होता है ना, मुकुलन क्या है या मुकुलन विधि आपसे पूछ देगा क्वेश्चन। फिर आता है 46 नंबर प्रश्न उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके दो प्रमुख अंग के नाम बताइए, यानी उत्सर्जी अंग यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं, और मानव में दो प्रमुख ऐसे उत्सर्जी अंग है उत्सर्जन अंग है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है, दो का नाम लिखना है। फिर आता है 47 नंबर प्रश्न जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखे, यानी आपका प्रश्न पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखे या जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखे, तीन अंतर लिखे, जो कहेगा उसको आप जरूर लिखेगा। जो प्रश्न बता रहा हूं आपके लिए बहुत से बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को देखिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, जिससे दोनों दोस्त का दो तीन दोस्त है सबका आपको बेनिफिट होगा, बहुत बेहतरीन मार्क्स आएगा। हमारे द्वारा जो बताए गए जितने प्रश्न है ना बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियोस को मिस नहीं कीजिएगा, प्रश्न को यह नहीं कीजिएगा टाल दीजिएगा कि चलो भाई हम याद कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो यह एक्सपीरियंस है हम 4 से 5 सालों से हमारे बोर्ड एग्जाम की लगातार हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस और पूरे बुक का कंक्लूजन मॉडल से क्वेश्चन में सब का कंक्लूजन लेकर हम वीडियो बनाते हैं, इतना जेन्युइन प्रश्न देते हैं जो आपके लिए बहुत से बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेहतरीन मार्क्स आपको जरूर आएगा। अगला प्रश्न जो आपका 48 नंबर है क्या है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखना है, यानी ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में आपको अंतर लिखना है, इसमें 2 से 3 अंतर आप लिख सकते हैं। फिर आता है 49 नंबर जो प्रश्न है द्विखंडन और बहुखंडन में भी आपको अंतर लिखना है। फिर 50 नंबर प्रश्न क्या है हार्मोन क्या है और दो पादप हार्मोन के नाम बताइए, नाम लिखे हार्मोन रहेगा या पादप हार्मोन किसे कहते हैं या दो पादप हार्मोन के नाम आपका पूछा जाएगा जो प्रश्न आपसे रहेंगे, इस तरह से तो इस सबका आंसर आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जहां ट्यूशन पढ़े हुएगा ना इस सब प्रश्न जरूर पढ़े हुएगा, और नहीं पढ़े हुएगा तो आपके पास क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट जो होगा ना उससे इसका आंसर जरूर से जरूर आप लोग निकाल कर लिख लीजिएगा। फिर आता है 51 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त कीजिए, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना उसको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है, यानी लिखना है आपको। फिर आता है 52 नंबर पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जो पौधा है ना उसमें गैस का आदान प्रदान यानी आना और जाना, निकलना और प्रवेश करना जो होता है ना वह किस तरह से होता है उसके बारे में आपको इसमें समझाना है इस प्रश्न में। फिर आता है 53 नंबर प्रश्न श्वसन और श्वासोच्छवास में अंतर लिखे, यानी सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन यानी श्वासोच्छवास जो दोनों है ना उस दोनों में आपको अंतर लिखना है। फिर आता है यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न क्या है, यानी रक्त क्या है, यानी जो खून है ना वो क्या है और इसके संगठन का वर्णन करें, इसको लिखना है। फिर 55 नंबर है पित्त क्या है मनुष्य में, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, जो पित्त है पित्त किसे कहते हैं और मनुष्य के जो पाचन है ना उसमें पित्त का क्या महत्व है उसको आपको बताना है। फिर आता है 56 नंबर प्रश्न आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग की क्यों यानी सलाह क्यों दी जाती है। फिर 57 नंबर है मधुमेह से आप क्या समझते हैं। 58 नंबर है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। फिर आता है यहाँ पे 59 नंबर रक्त और लसिका में अंतर लिखना है। फिर लास्ट आपका प्रश्न आता है निषेचन किसे कहते हैं, यह जो 60 प्रश्न है ना आपके साइंस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसी के भीतर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं रहेगा।
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, इस 60 प्रश्न को जरूर से जरूर अच्छे प्रकार से याद करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे, जिससे आपको बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा और इसी के भीतर से ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, जिससे 30% ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। और यह 60 जो प्रश्न मैंने दिया है ना, इससे आपका 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला सब प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियोस को एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करने से हमें उत्साहित होती है। कमेंट हुआ अच्छा हो या बुरा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कमेंट इस वीडियो में जरूर से जरूर करेंगे, वीडियोस को एक बार शेयर कीजिएगा। अगर ये इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।